Hello learners, I welcome you all in this program of PME Vidya for senior secondary learners in library and information science. Today we will be talking about lesson 10 of module 3 processing of library material that is classification and cataloging. Welcome back. टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स विच वी हैटेड इन योर बुक ऑल्सो दैट इज़ एजुकेशन केमिस्ट्री लाइब्रेरी साइंस एंड हिस्ट्री इन चारों में हमने डी डी सी में क्या नंबर दिया है इन्हें हमने बेसिक नंबर क्या दिया है इनका और सी सी में हमने इन्हें कैसे डिनोट किया है क्या नोटेशंस यूज़ की है ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं तो इसी में मैं आपको आगे भी बताऊँगी वॉट यू नीड टू रिमेंबर आपको अगर एजुकेशन का है कोलन क्लासिफिकेशन में तो आप इसे याद रखेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू मे बी कभी कभी इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विद वॉट सिंबल हैज बिन डिनोटेड फॉर द एजुकेशन एक मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा इट विल हेल्प यू देर देन वी विल ट्राई टू शो यू हाउ टू मेक अ क्लास नंबर इट इज नॉट दैट ईजी विल बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट बट थोड़ा सा मैं आपको यहां पर यह समझाऊंगी कि, कि जो स्पाइन पे क्लास नंबर लगा हुआ होता है वो किस तरह से बनाया गया उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया होता है uh, जैसे कि मैंने आपको बताया एक कॉल नंबर में क्या होती हैं सारी चीजें दैट इज कॉल नंबर कंटेन्स इट्सल्फ एक क्लास um, नंबर एक बुक नंबर और एक उसमें कलेक्शन नंबर होता है दैट्स हाउ अ कॉल नंबर इज िएटेड तो कॉल नंबर वो हुआ जो हमने डी से या कोलन क्लासीफिकेशन जो भी हमने क्लासिफिकेशन स्कीम अपनी लाइब्रेरी में की है जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोलन क्लासीफिकेशन स्कीम्स करती है कई लोग दो दो क्लासिफिकेशन स्कीम्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्री ज़्यादातर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं और हम जो एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज़ हैं या ज़्यादातर स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं है, मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो है डिवे डिसमल क्लासीफिकेशन इसमें डेसिमल्स का यूज़ है ये थोड़ा ईजी रखती है यूज़ करने में बाकी क्लासिफिकेशन स्कीम्स सारी ही ठीक है और बराबर है इट डिपेंड्स ऑल ऑन वॉट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम यू वॉन्ट टू डू सो यहाँ पर हमारा एक टाइटल है आपके सामने आप सोचिए आपके पास एक किताब आई है उसका टाइटल है बुक एंड टाइटल क्या नाम है उसका प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स बाय पी के नायक ये किताब का नाम है अब हम डी डी सी क्लासीफिकेशन खोली हमने वहाँ पर साइंस में गए 500 है हमारी साइंस का नंबर 500 में हमने देखा फिजिक्स वहाँ पर हमारे पास एक इंडेक्स भी होता है इंडेक्स यू ऑल नो व्हाट इज दैट इंडेक्स इज जो बुक के पीछे आप देखते हैं अल्फाबेटिकली अगर आपको कभी कुछ ढूंढना होता है कोई भी वर्ड ये बुक में कहाँ मिलेगा हमें वी गो इन द इंडेक्स हमने लास्ट पेज को सर्च करते हैं देखते हैं अल्फाबेटिकली इंडेक्स वहाँ पर होता है हम वो वर्ड देख लेते हैं तो पहुँच अगर हमें अब ये नहीं पता कि फिजिक्स को हम कहाँ ढूँढेंगे हम इंडेक्स में जाएंगे फिजिक्स को ढूँढेंगे वो वो हमें सीधा साइंस में ले जाएगा वो पाँच सौ तीस ले जाएगा पाँच सौ तीस में क्यों क्योंकि पाँच सौ जो है साइंस है 500 साइंस को दिया गया है नंबर उसके अंडर फिर साइंस के सारे फिज़िक्स केमिस्ट्री बॉटनी, जोलॉजी एंड मेनी मोर वॉट एवर सब्जेक्ट्स आर देर दे आर फर्दर सब डिवाइडेड दे गो ऑन फर्दर सब डिविजन्स फिजिक्स में बहुत सारे सब डिविजन्स आगे के चले जाएंगे इस तरह से हमने 530 क्लास नंबर डीडीसी से लिया और नायक में जो है पीवी नायक जो इसका ऑथर है उसमें से हमने क्या किया एन ए आई ऑथर के हमने पहले तीन वर्ड्स को ले लिया जो हमारा बुक नंबर बन गया उससे क्या होता है जब हम किताब को फाइल करते हैं जब हम किताब को शेल्फ पे लगाना चाहते हैं 530 की तो हमारे पास बहुत सारी किताबें होंगी फिजिक्स में मगर ऑथर्स अलग अलग होंगे नॉट पॉसिबल दैट ऑथर्स भी सेम हो, हो सकता है वन परसेंट हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं टाइटल का फर्स्ट वर्ड भी लगा देते हैं इसमें हमने एन डाला मतलब जब हमारी बुक आ, हम फाइल करने जाएंगे इस किताब को जब हम शेल्फ पे लगाने जाएंगे हम 530 को ए बी सी डी करके जो अल्फ़ाबेटिकली एन पे आएगा तो हम इसे एन के शेल्फ में लगाएंगे दैट मीन्स वी विल भी इजिली एबल टू रिट्रीव इट आई नो द ऑथर एंड आई नो द बुक आई वॉन्ट अ बुक ऑन फिजिक्स विच इज रिटन बाई डॉक्टर नायक और पी वी नायक देन आई विल आई नो दैट आई हैव टू सी फाइव हंड्रेड थर्टी एंड नायक मीन्स एन आई गो टू एन स्ट्रेट वे आई विल गो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई विल गो स्ट्रेट देयर एंड फाइंड आउट द बुक दैट्स हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ नंबर एंड हाउ वी यूज इट इन द लाइब्रेरी हाउ इट एट्स एज अ Tool in that, and there is a collection number also. Collection number is mainly for the bigger libraries like uh, university libraries, there, then you have the departmental libraries, then there are many libraries which are sub heading libraries. The collection number is like if it, dep it depends on if uh, the book. इज़ इन देंट्रल लाइब्रेरी एंड इट इज़ फॉर द रेफरेंस पर्पज इट इज़ अ टेक्स्ट बुक और इट इज़ इन द डिपार्टमेंटल बुक सो वी टेक अ वर्ड विच इज़ एनी लाइब्रेरी यूज ऑफ देर ओन चॉइस दैट इज़ देयर चॉइस दे यूज़ आर फॉर रेफरेंस टी फॉर द टेक्सट डी फॉर डिपार्टमेंट तो दैट मीन्स कि जो अगर हमने इस पर कलेक्शन नंबर भी डालना उससे हमें फटाफट ये पता चल जाता है कि दैट मीन्स दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक सो इट कैन बी इट इज़ आर दैट मीन्स इट इज़ ए रेफरेंस बुक इसे हम इशू नहीं कर सकते तो इस तरह से एक क्लास नंबर को आइडेंटिफाई किया जाता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है डिवे डिस्मल क्लासिफिकेशन में फर्दर आपको आप इन मेन क्लासेस को याद रखेंगे तो आपको ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसमें हमने कोलन क्लासिफिकेशन में लिया है बुक एंड टाइटल एलिमेंट्री एजुकेशन बाई सेन गुप्ता

इसमें हम देखते हैं मेन सब्जेक्ट क्या हो सकता है इस लाइब्रेरी में इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन है तो ये एजुकेशन में जाएगा फिर वहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में जाएगा और इसका ऑथर ये है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये है तो टी रहेगा हमारा एजुकेशन का 15 जो है फिर वो एलिमेंट्री एजुकेशन का नंबर हो गया वहाँ से इन दोनों को हमने जोड़ दिया वहाँ पर पी एम ई एस टी एक स्कीम है फेसिट्स हैं जिसके हिसाब से आपको क्लास नंबर लगाना पड़ता है पहले पर्सनैलिटी होती है, मतलब मेन क्लास का नंबर जो है वो पहले जैसे कि हमने टी लगाया है दैट मीन्स बुक बिलोंग्स जो भी टी वाली बुक्स हैं दैट मीन्स कोलन क्लासिफिकेशन ऑल द बुक्स बिलोंग टू एजुकेशन सो देन कम्स नेक्स्ट इज एन सेवन टू एन सेवन टू मीन्स वॉट दैट मीन्स दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन टू सो एन हमने वहाँ पर नाइनटीन का नंबर रखा हुआ है और सेवेंटी टू एज इट इज़ तो आपको इमिडेटली पता चल जाता है एन सेवेंटी टू मीन्स ये बुक बहुत पुरानी है और अब एन नाइनटीन का नंबर है नाइन्टीन के बाद ट्वेंटी का कोई और नंबर होगा जब आप देखते जाएंगे तो यू विल सी दैट दीज नंबर्स कीप ऑन चेंजिंग जब आप क्लास नंबर देखेंगे तो ये पुरानी बुक है ये 19 की है तो डिवाइड करते जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ द नंबर हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड दैट इज़ इन कोलन क्लासिफिकेशन इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे करना आपको नहीं है आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है क्लास नंबर को इस क्लास के लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको सिर्फ समझना है कि क्लास नंबर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसे हम बुक को जब हमें रिट्रीव करनी होती है बुक हमें लाइब्रेरी से लेनी होती है वहाँ हम कैसे इसे ढूंढ सकते हैं हाउ टू इजीली रिट्रीव दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट इज़ वाई यू वी आर टीचिंग यू दिस चैप्टर तो वॉट वी विल बी नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन इन दिस कॉल नंबर क्या होता है लाइक आई एसेट दिस इज द बुक नंबर प्लस क्लास नंबर प्लस कलेक्शन नंबर अप टू योर लाइब्रेरी दैट ऑल मेक्स इट अ कॉल नंबर मोस्ट टू पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो है इंडिया में है वो है डी एंड कोलन क्लासिफिकेशन यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन भी है टू में अगर देखा जाए तो यही दो क्लासिफिकेशन स्कीम्स है जो मोस्ट पॉपुलरली इंडिया में यूज़ की जाती हैं आई विल टॉक अबाउट लिटिल अबाउट अदर क्लासीफिकेशन स्कीम्स मतलब देर ओनली डी डी सी एंड सी सी आर नाट देर देर आर मेनी मोर क्लासीफिकेशन स्कीम्स बाई नेम यू मे रिम्बर दम Uh, that is Bliss Bibliographical Classification Scheme, which in short we call B.C. Bolte hai, colon Classification, we call in short C.C. It was written by S.R. Ranganathan, 1933. Then Dewey Decimal Classification, D.D.C. It was written by Melville Dewey in 1876, which you have to remember. This can be asked in your exam also. Library of Congress Classification, L.C. जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाई हुई है देन यूनिवर्सल डिसिमल क्लासिफिकेशन ये डी का ही एक नेक्स्ट एडिशन है जिसे हम यू कहते हैं यूनिवर्सल डिसिमल क्लासिफिकेशन यहाँ पर ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं लोग तो दिस दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाट वी हैव बीन यूजिंग यूनिवर्सली ना विल बी टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट द डीवी वी डिसमल क्लासीफिकेशन विच यू नीड टू

इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है यू कैन कंस्ट्रक्ट इट ईजीली इट हैज स्टैंडर्ड सब डिविजन सो दैट इजीली टू ब्राउज़ एंड शेयर द लॉजिकल मैनर वॉट एवर एक्स्ट्रा थिंग्स यू आर हैविंग इन द टाइटल कभी टाइटल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है एक बेसिक क्लास नंबर देने के बावजूद भी देर आर मेनी थिंग्स यू वॉन्ट टू गिव दैम नंबर बिकॉज यू हैव टू पुट दिस बुक समवेर वेर पीपल शुड बी एबल टू रिट्रीव इट पीपल शुड भी एबल टू गेट द बुक सो वॉट यू डू देर आर स्टैंडर्ड सब डिविजन्स अगर आपको कभी कभी कोई बुक इंग्लिश की है मगर वो हमने पोइम्स पे दी गई है तो हम स्टैंडर्ड सब डिविजन में जाएंगे, तो वहाँ से पोएम का नंबर लगाएंगे तो जो पोएम की सारी किताबें होंगी होंगी इंग्लिश की या होंगी हिंदी की मगर जो पोएम का नंबर है वो है पॉइंट फाइव तो वो आप तीन डेसिमल्स के बाद आपको पोएम का ही नंबर लगाना पड़ेगा सो ऑल द पोएम्स वट यू आर गेटिंग यू विल बी हैविंग द सेम नंबर फॉर एवरी बुक दैट इज हाउ

और इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ निमोनिक्स डिवाइस दैट फैसिलिटीज़ ईजी रिकॉल ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर निमोनिक्स का मतलब यहाँ पर ये यह होता है कि अगर आप समझ लीजिए जब आप साइंस स्टूडेंट है या कोई भी मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला आपको याद करना है वो डू यू डू हाउ डू यू रिमेंबर दैट फार्मूला यू क्रिएट अ सॉन्ग यू क्रिएट समथिंग लाइक हमने mm, एक uh, कुछ भी लर्न करना याद करना हमें नहीं समझ आता इनके कलर्स को हम कैसे कर याद रखेंगे तो हमने विप गोर बना दिया विप गोर का मतलब हो गया पहले वायलेट आएगा कलर्स के बाद इंडिगो आएगा इसी तरह से हम लोग याद करते हैं चीज़ों को वो इसमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है इट एम्प्लॉयज़ थ्री मिनिमम डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट से हम लोग फर्स्ट थ्री डिजिट के बाद एक डॉट लगाते हैं मीन्स बेसिक ला जो आपका है वो फर्स्ट थ्री डिजिट में आपको पता चल जाता है वट एवर इज टेलिंग यू दैट देर इज इंडेक्स विच हेल्प अस अलॉट वेन अवर यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अंबर यू गो टू द इंडेक्स यू फर्स्ट सी द उसको रिकन्फर्म करते हैं हम शेड्यूल से कि अगर इंडेक्स ने कोई नंबर दिया है तो वो कहीं गलत तो नहीं है बट इट टेक्स अस टू द शेड्यूल एंड सो अगर एग्ज़ामिनेशन में भी जो बाकी लोग हैं ट्वेल्थ के बाद वो बिलीव करेंगे आगे पढ़ेंगे उसमें आपको ये नंबर याद नहीं रखने पड़ते हैं व्हाट यू हैव टू डू यू विल बी गिवन अ बुक आपको क्लास नंबर लगाने के लिए पूरे चार वॉल्यूम्स मिलेंगे बस आपको ढूंढ के क्लास नंबर लगाना है हाँ क्लास नंबर को कंस्ट्रक्ट करना टफ़ होता है इट इज़ लिटल आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट फर्स्ट अगर आपका सब्जेक्ट मेन चीज़ गलत हो गया तो आपके नंबर उसमें पूरे कटते हैं एट दिस ट्वेल्थ लेवल यू डोंट नीड टू डू दैट बट रेस्ट हमें याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है फॉर योर ओन सेक इफ़ यू रिमेंबर इट विल भी हेल्पफुल फॉर यू टू गो टू एनी लाइब्रेरी एंड इट विल भी हेल्पिंग यू टू गेट द बुक्स दैट इज हाउ वी आर डूइंग दिस DDC classification. मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाऊंगी जो डी डी क्लासीफिकेशन जो मैं कह रही थी उसने यूनिवर्स को टेन में डिवाइड किया है जैसे कि ज़ीरो जीरो ज़ीरो जनरलिटीज़ हैं हंड्रेड फ़िलासफ़ी है साइकोलॉजी है टू हंड्रेड रिलीजन है थ्री हंड्रेड सोशल साइंस हैं फोर हंड्रेड लैंग्वेज़ हैं नेचुरल साइंसिस हैं दैन सिक्स हंड्रेड इज़ टेक्नोलॉजी सेवन हंड्रेड इज़ आर्ट्स एट हंड्रेड लिटरेचर एंड नाइन हंड्रेड इज़ जोग्राफ़ी एंड हिस्ट्री तो हमें याद रखने की क्या ज़रूरत है हमें इन दस क्लासेज को याद रखने की ज़रूरत है सो दैट वॉट एवर बुक कम्स टू योर माइंड हर किसी बुक का एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है आपको आइडिया हो जाएगा अगर मैं कुछ भी देख रहा हूँ ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है मीन्स ये हंड्रेड के आसपास के नंबर्स में मुझे मिलेगी ये फ़िलोसफी से रिलेटेड है तो हंड्रेड में मिलेगी ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है ये मुझे वहाँ मिलेगी तो रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे कोई भी रिलीजन वर्ल्ड का हो वो टू हंड्रेड के आसपास ही मिलेगा आपको उसमें उन्होंने हर किसी रिलीजन हर किसी कंट्री को लिया है और हर किसी को एक एक नंबर दिया हुआ है सो वॉट यू नीड टू डू इज़ टू रिमेंबर दीज टेन क्लासेज मेन क्लासेज स्टैंडर्ड सब डिविजन्स में जो एक बुक उसमें है टेबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सब डिविजन्स का मतलब है अगर हम टेबल वन में जाते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सब डिविजन जो भी एडिशन नंबर डालना होता है वो आप टेबल वन से देखेंगे अगर आपको जोग्राफिकल एरिया कोई जगह का नाम डालना है दिल्ली का नाम डालना है पीतमपुरा का नाम डालना है या अमेरिका नाम डालना है तो ये सब आपको जोग्राफिकल एरियाज़ में मिलेंगे थर्ड में जाएंगे अब सब है आर्ट्स से रिलेटेड इंडिविजुअल लिटरेचर से रिलेटेड फोर्थ में जाएंगे सब जो है सारे लैंग्वेजेस के हैं मतलब अगर जब भी कोई लैंग्वेज का नंबर आएगा आप उसे फर्दर ऐड करना चाहते हैं नंबर तो आप टेबल फोर में जाएंगे टेबल फाइव है आपका रियलिक एथिक्स एंड नेशनल ग्रुप्स का टेबल सिक्स इज फॉर लैंग्वेजेस टेबल सेवन ग्रुप ऑफ पर्सनस जहाँ पर कि आप बायोग्राफीज़ वग़ैरह को देखते हैं जहाँ पर अगर नाम वगैरह देखना है तो वो आपको टेबल सेवन में आना तो ये हमारे स्टैंडर्ड सब डिविजन्स हैं जो एक वॉल्यूम है उस बुक्स का तो इसे भी हम किसी हद हाँ तक याद रख सकते हैं ताकि हमें नंबर को ढूंढने में आसानी हो जाती है

इसे पढ़ के आप पहले आप इसे एनालाइज़ करेंगे समझेंगे उसका टाइटल को उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे इनटू फेसेस मतलब ये डिवीजन हो जाता है डिफरेंट प्लेन्स में ये आइडिया प्लेन है लेटर फिर सिंथेसाइज हो जाता है नंबर जो वर्बल प्लेन मतलब आप दिमाग से समझते हैं फिर नोटेशंस को यूज़ करते हैं फिर नोटेशन से एक कंस्ट्रक्ट करते हैं नंबर इतना आसान नहीं है ये इसकी एक क्वालिटी है एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम अगर पूछा जाए कि वॉट इज विच इज़ एनालिटिकल सिंथेटिक दैट इज कोलन क्लासिफिकेशन है शेड्यूल जो है सीसी सी का स्टैंडर्ड यूनिट शेड्यूल्स हैं इसके इसमें आपको डिफरेंट यूनिट्स मिलते हैं क्लास नंबर्स मिलते हैं जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को जो डिवाइड किया है गया हुआ है वो मैं आपको मेन क्लासेस अभी दिखाऊंगी नेक्स्ट पेज में फ़र्स्ट एडिशन जो इसका छपा था वो 1933 में था फिर इसका 1963 में हमने बाकी एडिशंस छपाए हैं नेक्स्ट वाले ये एक कोलन क्लासिफिकेशन के हिसाब से नंबर दिया गया एनालिटिक और सिंथेटिक स्कीम ऑफ मतलब इसको हमने एनालाइज़ करते हैं एक टाइटल को लाइब्रेरी साइंस में हमने टू दे दिया पब्लिक लाइब्रेरी का टू टू है फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग उसमें तो डी फोर है उसका नंबर तो इसमें हमने पर्सनालिटी क्या है मैटर क्या है एनर्जी क्या है पी एम ई एस टी बोलते हैं इसे जो हमें याद रखना पड़ता है पी एम ई एस टी पी मीन्स पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम इसमें टाइम का भी एक नंबर होता है स्पेस का भी एक टाइम मिलता है हमें एनर्जी मींस जो ये कहना चाहता है ये टाइटल वो कहाँ पर है मेन पर्सनैलिटी मीन्स मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें कोई भी टाइटल का मेन सब्जेक्ट क्या देना चाहते हैं आपको तो मेन सब्जेक्ट से आपको पर्सनैलिटी पहले डिसाइड करना पड़ता है टाइटल में है क्या दैट इज हाउ डिस कोलन क्लासिफिकेशन वर्क्स दिस इज़ द पेज वेर आई बी शोइंग यू दैट जनरल का क्या है नंबर देखो इन्होंने लाइब्रेरी साइंस को कैसे दिया है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को क्या दिया है ये सारे नंबर्स को भी अल्फ़ाबेटिकल जो है इस यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को आप एक बारी पढ़ सकते हैं ध्यान रख सकते हैं ताकि अगर कोलन क्लासीफिकेशन में आपको ये पूछा जाए कि लाइब्रेरी साइंस का क्या नंबर है तो आप आराम से लिख सकते हैं 2 तो कोलन क्लासिफिकेशन में लाइब्रेरी साइंस को टू मिला है इसी तरह से टेक्नोलॉजी को एफ मिला है या बायोलॉजी को जी मिला है सो यू हैव टू रिमेंबर लिटिल बिट अमोंग दिस फॉर दिस क्लास देन विल बी टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी कैटेलॉगिंग फ़र्स्ट पार्ट हमने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जहाँ हमने नंबर्स के बारे में बात की कैसे नंबर्स देते हैं हम अपने बुक्स को और उससे क्या फ़ायदा होता है हमें उसका क्या पर्पज़ है अब हम कैटेलॉगिंग की बात करेंगे आपने देखा होगा हर लाइब्रेरी के बाहर एक बड़ा सा कैटेलॉग होता था जिसमें हम कैटलॉग कार्ड्स को अरेंज करते थे तो वो कैटलॉग कार्ड क्या होता है कितने साइज़ का होता है कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सो लाइब्रेरी कैटलॉग की शेप ये है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है साइज़ थ्री इंटू फाइव होता है और ज़ीरो टू फाइव एम एम की थिकनेस होती है इस कार्ड की ये कार्ड्स हमें पब्लिशर्स जो लाइब्रेरी स्टेशनरी से डील करते हैं उनके पास मिलते हैं ये वाले कार्ड्स नॉर्मली ऐसे नहीं मिलेंगे आपको वहाँ जा कर के लेने पड़ते हैं या आप अपने इस साइज़ से इसको छपा सकते हैं इसकी थिकनेस इसका साइज़ इसकी लाइंस सब कुछ सीमित होता है ये कैटलॉग कार्ड के हिसाब से ही बना हुआ होता है यही कार्ड्स जो है, जो हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड में लिखते हैं एक बुक के बारे में उसकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन बन जाती है फिर हमें इन्फॉमेशन को रिट्रीव करने के लिए एक टूल की तरह हम इस कार्ड को यूज़ करते हैं। इट डायरेक्ट्स यूजर्स टू सिमिलर लाइब्रेरी मटेरियल्स देखो अगर लाइब्रेरी साइंस के भी मटेरियल होंगे तो सारे लाइब्रेरी साइंस में जहाँ हम टाइटल लाइब्रेरी साइंस होगा तो उस सारे लाइब्रेरी साइंस के अंडर आएंगे अगर आप ऑथर के हिसाब से देखेंगे तो एक ऑथर ने जितना भी काम किया तो ऑथर एक ही जगह पर होगा सारा कुछ ये जो सारा है ये हमारी लाइब्रेरी के अंदर कितना रिकॉर्ड है ये हमें सारा डिनोट कर देता बताता है प्रिंट मटीरियल कितना है नॉन प्रिंट मटीरियल कितना है एंड मोर सो If you remember only title, you do not remember the author, you can go and see in the title catalogs. So, you will see, you, you will get that also arranged alphabetically. You will have here index for all the holdings. This acts as an index, whatever information, whatever books, materials you are having in the library, it holds everything on that catalog. Earlier we used to have um, these catalogs only, the, those were the physical catalogs. Now we have the OPAC and WebOPAC which are working in the automated libraries. Uses of library cataloging, why we need the library catalog? It helps us to retrieve the information efficiently. It increases the understanding by students and staff of information retrieval system. It plans, orders, and checks resources efficiently, and develops information retrieval skills. Like, if you want to go to any library, you can first of all go to their catalogs. Whether it is opac, Web opac, or a physical catalog, you go there. You see what all books they have. Whether I am getting the book I want, whether uh, are is this available in the library, this uh, which air uh, it has been published. Everything you will get in that catalog. So it acts as a tool for the information retrieval. then preparation of this card is very simple but uh, in the steps how we do the preparation of the we make a main card then we make the edit entries then we assign subject headings also we go for the reference entries also we make a subject catalog also subject catalog list also which helps us to arrange the books on the shelves. we keep all these in the alphabetical order. दैट्स हाउ वी डू फिजिकल फॉर्म्स में क्या क्या फॉर्म्स हैं हमारे पास इसमें हमारे पास प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड्स होते हैं शेल्फ कैटलॉग्स होते हैं कार्ड कैटेलॉग्स होते हैं शेल्फ लिस्ट होती हैं दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द कैटलॉग्स मोस्ट पॉपुलर फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटेलॉग विच आई सेट जस्ट नाउ लिज द यूज ऑफ द लाइब्रेरी कैटेलॉग यू नो दैट यू कैन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्राम द लाइब्रेरी दैट इज़ हाउ द कटलॉग हेल्प्स यू एज अ टूल देन वील बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स मीन्स कैटेलॉग किस किस तरह के होते हैं ऑथर कैटेलाग है टाइटल कैटलॉग है डिक्शनरी कैटलॉग है कीवर्ड कैटेलॉग है Any way you can reach to that classified catalog is there, subject catalog is, shelf list catalog is there. There are many varieties of the catalog which we used to make them physically first. Now we can go to OPAC and OPAC we have to make just one entry. You can get whatsoever you want to. There we do not have to make these 20 entries. We just enter it once. You, whether you want title, you will, you will get the title. Whether you want to go to the keywords, you will get the keywords. Whether you want an author, you will get the Author also. That is how we do. Then we will be talking about the dictionary and the classified catalog. These are two catalogs how we arrange. In dictionary, we arrange the catalog cards alphabetically, and in classified, uh, we arrange the catalog cards in class numbers, where there the class number is the priority. That's how. We do this. Can also be a question that uh, differences between the two catalogs, that is classified catalog and and dictionary catalog. Then we'll be talking about the rules of the cataloging. What are the rules? How do we make these cataloging cards from a bibliographical items is to be included in the which type of information we need to pick from the book. That is what. Are given in those rules. How this information is presented in the catalog card and how the entries should be sorted in the catalog. These are the rules which are to be kept in mind and to be read before making a catalog card. Cataloging rules which IFLA has given for dr ranganathan has given for the not for the colon classification ccc that is um, cataloging rules given by sr ranganathan this is how do we make title and the statement of responsibility then edition also is there then material specific details are there then publication is there distribution is there physical description of the book is also there how much size of the book is there series is there standard number is also given that is the physically how in ccc we make a catalog card these are the questions that what i was talking about difference between a dictionary and a catalog card what bibliographical descriptions you have to uh, take from the card mm, that means title author uh, year size of the book all those details you have to make in a card these are the model questions which are given in your book and this is the suggested activities what you all people are supposed to do. They visit any school, college, library and see how what classification schemes they are doing. This is a um, list of the bibliographies. You can see. You can, uh, if you want to read uh, above, then this book what we have given to you. You can read. There is igno material also there. There are some certain free materials also. You can go have a look at them and um, clarify things also from them so that you will be able to understand the classification scheme properly. Hope you must have understood uh, today's chapter. Thank you very much. See you next.